गणेश उत्सव आने वाला है और गणेश जी को समृद्धि और बुद्धि का देवता माना जाता है। गणेश चतुर्थी से 10 दिन तक का गणेश उत्सव मनाते हैं। चलिए जानते हैं कि गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है। ये मान्यता है कि हर साल गौरी पुत्र गणेश 10 दिन के लिए कैलाश से धरती पर भक्तों के बीच आते हैं और उनके कष्ट दूर करते हैं। इन दिनों को गणेश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन घर घर में गणेश जी विराजमान होते हैं। बड़े बड़े पंडालों में गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है, झांकियां सजाई जाती हैं। 2024 में गणेश चतुर्थी की डेट 7 सितंबर 2024 को है। इस दिन से 10 दिन तक गणेश उत्सव मनाया जाएगा। इसका समापन अनंत चतुर्दशी पर 17 सितंबर को होगा। इस दिन बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और उन्हें विदाई दी जाती है। गणेश जी स्थापित करने के लिए 5 सितंबर शाम 5 बजे तक का इसका समापन होगा। यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है जिसमें आप पूरे मान सम्मान हर्षोल्लास से ढोल नगाड़ों के साथ गणपति को अपने घर ले जाकर विराजमान करें और विधि विधान से पूजा करें। 10 दिन के बाद 17 सितंबर को पूरे विधि विधान से गाजे बाजे के साथ या जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से नदी में या तालाब में विसर्जन करें 17 सितंबर को। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान गणेश भक्तों के सभी विघ्नों को हर लेते हैं। हर प्रकार की जो भी वैध मान्यता है उसको पूर्ण करते हैं। सुख करता, दुख हरता, शिव पुत्र गणेश जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। माता पार्वती के पुत्र एक दंत भगवान गणेश सबकी मनोकामना पूरी करें। गणेश महोत्सव के बारे में या गणेश उत्सव के बारे में कई मान्यताएं या कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए सुनते हैं। पुराणों के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन शंकर जी और माता पार्वती के पुत्र गणपति जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गणेश उत्सव के 10 दिन तक बप्पा को विधिवत पूजा और अर्चना किया जाता है। उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो भी यह 10 दिन तक बप्पा को बिठा के उसको पूजता है ढंग से। वहीं एक पौराणिक कथा के अनुसार महाश्री वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आवाहन किया था। व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणपति जी बिना रुके 10 दिन तक महाभारत को लिपिबद्ध तरीके से लिखते गए। 10 दिन में गणेश जी पर धूल मिट्टी की एक परत जम गई। 10 दिन बाद यानी कि अनंत चतुर्थी पर बप्पा ने सरस्वती नदी में स्नान कर खुद को स्वच्छ किया। उसके बाद ही 10 दिन तक गणेश उत्सव मनाया जाने लगा। वो 10 दिन जब तक लिखते रहे और यहाँ पर विराजमान रहे एक जगह पर, उसी के उपलक्ष में 10 दिन तक उनको बैठाया जाता है। और जब उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया उस लिए उनका विसर्जन किया जाता है। एक मान्यता और है कि इसी दिन माता पार्वती जी ने गणेश जी को बनाया था और 10 दिन में उनके अंदर प्राण फूके थे, इसीलिए इनको 10 दिन तक यहाँ पे रखा जाता है। एक और कथा में ये कहा जाता है कि एक बार भगवान कार्तिकेय जो महाराष्ट्र के साइड में वहाँ के राजा थे, उन्होंने जब वो युद्ध में हारने लगे तो उन्होंने अपने बड़े भाई गणेश जी को युद्ध में सहायता के लिए बुलाया और बड़े ही मान सम्मान से वो आए और उन्होंने 10 दिन में ही उनकी मदद की और उनके सारे विघ्न हर लिए, सभी दुश्मनों का नाश कर दिया। और 10 दिनों बाद भगवान कार्तिकेय ने भगवान गणेश जी को बहुत ही मान सम्मान के साथ विदा किया क्योंकि उन्होंने वो युद्ध जिता दिया था। इस उपलक्ष्य में भी
या गणेश महोत्सव मनाया जाता है। जिस तरह भगवान गणेश ने सबके विघ्न हरे, भगवान गणेश हम सबके भी विघ्न हरे और हम सबका जीवन सुखमय और खुशहाल बनाए। जय गणपति देवा। यहाँ पर दी गई जानकारियाँ पौराणिक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित हैं, इसका कोई प्रमाण का दावा नहीं किया जाता।